तीन वर्षों में जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितनी उपलब्धियां रही और अभी क्या क्या होने वाला है, इन सभी बातों को लेकर जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने परिसदन में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया। बहुत सारे कार्य किए गए हैं जो बरसों से अधूरा था। इन्होंने ये भी कहा कि मेरे जीतने के बाद दर्धा नदी पर एक और पुल का निर्माण हुआ जो काफी सुखद है। बहुत सारी विकास योजनाओं की चर्चा की। अनगिनत चापाकल लगाए गए। अपनी पूरी उपलब्धियों को गिनाते हुए सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर जदयू नेता जयप्रकाश नारायण चंद्रवंशी, दिलीप कुशवाहा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। क्या क्या आपने इसकी जानकारी दी? अभी तो हम बात बोल चुके हैं, फिर से आप उसको शॉर्ट में ब्रीफ कर दीजिए। ब्रीफ कर दीजिए, जो आपने पीसी बुलाया तो इसका जो जो था वो आपने योजनाओं की जानकारी देने के लिए बुलाई थी पीसी, वो सिर्फ बता दी। आज 23 मई है, 23 मई को ही जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के महान जनता ने मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर और पार्लियामेंट में भेजने का काम किया था। सबसे पहले हम इस संसदीय क्षेत्र के तमाम जनता और मतदाता बंधुओं को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम आज यह बताने के लिए बैठक हमने बुलाई थी और आप लोगों के साथ आप लोगों का समय लिया, क्योंकि 3 वर्ष बीत गया है और हम यहाँ जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए क्या क्या काम किया, किस किस विभाग से क्या क्या, किस तरह का योजना को हमने टेकअप किया और उसके लिए प्रयास किया और उसमें जो सफलता मिला, उसकी जानकारी विस्तार से आप लोगों के बीच हमने रखने का काम किया है। और हमको लगता है कि आने वाला जो समय है उसमें हम और प्रयास करेंगे कि जहानाबाद की जितना भी समस्या है उसमें से ज़्यादा समस्या का समाधान हम कर सकें, जिससे कि जहानाबाद के लोकसभा के संसदीय क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सके। यही आज के बैठक का उद्देश्य मेरा है और आप लोगों के माध्यम से सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और सलाह। सर, आगे क्या लक्ष्य है? 2 साल बच गए हैं आपके पास। अभी आपको बताया हमने कि जो भी मुख्य जो समस्याएं हैं लोकसभा क्षेत्र की, पूरे जो लोकसभा क्षेत्र है अरवल जहानाबाद गया, जो भी समस्या हमारे पास आएगा सबके विकास के लिए हम प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्या का समाधान करा सकें। कहना है कहीं भी हम लोग कारण टाइमिंग कब तक मिलेगी उसके लिए भी हम रेल मंत्री से मांग किया था, जो गया से जो ट्रेन लेती है दिल्ली के लिए उसको जहानाबाद से चलवाइए, लेट रहेगा गया में, खुलने के टाइम में जहानाबाद चला है, यहाँ से खुल के चली जाए और फिर मेंटेनेंस होकर यहाँ चला। जब तक उम्मीद है सर, कोई आश्वासन मंत्री के द्वारा नहीं दिया, मंत्री से लिखित जवाब हाँ लिखित हम क्वेश्चन किए थे, लेकिन हम प्रयास फिर जारी रखेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक प्रयास रखेंगे। जहानाबाद क्या फ्लाई से मुक्ति मिलेगा क्या जहानाबाद? हाँ, जहानाबाद आपका फ्लाई ओवर बढ़िया है, यही आपका हमको मंत्री से बात हुई है और बहुत जल्दी लगता है 10-15 दिन पहले बात हुई कि जो मुझे मिनिस्टर से बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है यह समस्या भी बहुत जल्दी समाधान होगी। सर, ये जो आपके संज्ञान में है कितना बता दें, प्रधान इसके लिए चिंतित है, कैसे जल्दी से जल्दी इसका सर ये जो पीसी हुआ इसका एक जिस्ट चाहिए, जो आप जितना उसको एक 30 से 40 सेकंड में। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें